गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल रिया। आज हम हिंदी में 4 नंबर का चैप्टर देखेंगे, अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। बहस छिड़ जाना यानी कि लड़ाई हो गई। किसके किसके बीच में? हवा और सूरज के बीच में। तो हवा ने सूरज से कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ, और सूरज ने भी हवा से क्या कहा कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो इसमें हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी कि, तो उसने सोचा कि इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आदमी का कोट जो भी उतरवा सकता है वही सबसे ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। हवा ने ये आदमी का उसको बताया तो वो उसकी बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। उसने क्या कहा, सूरज हवा की बात मान गया कि ठीक है, तुम अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की तो आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। पर उसका कोट था वो उसने क्या किया, अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। टोपी तो उड़ गई पर उसका कोट, शरत किसकी थी कि कोट उतरवा दे, तो कोट उतरवा दे, पर उसने कोट अपने दोनों हाथों से लपेटे कर रखा और उसके बटन बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। हवा ने अपना वेग और दिखाना शुरू कर दिया, वो और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। अंत में क्या हुआ, आदमी नीचे गिर पड़ा पर उसका कोट उसके शरीर पर ही रहा। वो अब हवा थक चुकी थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने अभी अपनी ताकत दिखाने की चालू की, तो सूरज क्या करने लगा, उसकी जो तपन की रोशनी होती है उसने रोशनी और दिखा और तपने को ज़्यादा चालू कर दिया। तो फिर वो आदमी को गर्मी लगती थी तो आदमी ने बटन खोल दिया और गर्मी और बढ़ी तो उसने कोट उतार दिया। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत। उसने क्या कहा कि तुमने मेरी ताकत देखी, उतरवा दिया ना कोट मैंने। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और वो उसकी ताकत को मान गई। तो इसमें दोनों के बीच की बात में क्या था, हवा और सूरज की बात थी। तो हवा और सूरज के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो उस दोनों में ही लास्ट में अंत में शरत क्या थी कि जो कोट उसका उतरवा दिए हो, तो कोट किसने उतरवा दिया, सूरज ने। तो कौन जीत गया, सूरज। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। अधिक बलवान कौन, इस प्रश्न के उत्तर लिखिए। हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा अपने वेग से सारी पृथ्वी में आतंक मचा देती है। पेड़ पौधे घर इत्यादि उसके प्रभाव से उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं, इसीलिए उसे लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। यदि वह इतने जोर से चलती कि आदमी को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता तो शायद हवा उसका कोट उतरवा सकती। बटन हवा के तेज वेग से टूट जाते और वह उतर जाता। ये ताकत वाले प्रश्न है। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने अपना वेग बढ़ा दिया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी रोशनी और बढ़ा दी। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। पानी क्या करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए, प्रलय ले आएगा। बादल क्या करेगा, गर्जना करेंगे और खूब पानी बरसाएंगे। फिर पहाड़ क्या करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने चट्टानें गिराने लगे। सर्दी क्या करेगी, अत्यधिक ठंड पैदा करेगी।
नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। ये एक आपको एक शब्द दिया है, उसमें से आपको 8 शब्द बनाने के हैं। कमल ककड़ी, कमल ककड़ी पूरा एक एक शब्द है, उसमें से आपको 8 शब्द बनाने के हैं। कमल ककड़ी तो फर्स्ट मल कल मकड़ी लड़ी लकड़ी कड़ी कमल ककड़ी। गर्मी, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? मैं गर्मी लगने पर सूती कपड़े पहनती हूँ, पंखे कूलर या एसी के पास बैठती हूँ, बाहर जाने से बचती हूँ और खूब पानी पीती हूँ। किस में कितनी ताकत? सूरज या हवा? सूरज या हवा में से ताकत किसकी ज़्यादा है? मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी तपन मनुष्य को जला सकती है। तेज़ आंधी से तो घर में बैठकर बचा सकता है, परंतु सूरज की गर्मी से तो घर भी चैन नहीं मिलता है। हाथी या शेर? हाथी या शेर में से ज़्यादा बलवान कौन हो सकता है? शेर। मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि हाथी शेर से अधिक विशालकाय क्यों न हो, परंतु ताकत में वह शेर को पछाड़ नहीं सकता है। शेर हाथी तक का शिकार कर लेता है। गर्मी या सर्दी? गर्मी या सर्दी में से बलवान कौन है? गर्मी, क्योंकि गर्म कपड़े से तथा गर्मे रजाई में बैठकर सर्दी से बचा जा सकता है, परंतु गर्मी में तो कहीं भी चैन नहीं मिलता है। एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकते हो? अधिक, तो अधिक का दूसरा हम शब्द क्या आएगा? ज़्यादा। फायदा तो मुनाफा। नमस्कार नमस्ते। तन शरीर तो तन। झगड़ा तो लड़ाई। सर्दी ठंड। आपको अपनी फेयर बुक में ये लिखने का है वन टाइम। ओके?